जानिए बैंक खाता खुलवाते समय नॉमिनी बनाना क्यों है जरूरी और नॉमिनी नहीं होने पर क्या होगा नुकसान। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। जब भी हम बैंक, डीमैट या अन्य वित्तीय खाता खोलते हैं तो हमें एक विकल्प मिलता है नॉमिनी जोड़ने का। नॉमिनी का अर्थ है कि अगर किसी खाता धारक की अचानक मृत्यु हो गई है तो उस बैंक खाते में जमा पैसे का वारिस कौन होगा। नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसे नज़रअंदाज करना बहुत से लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर आपने अपने सभी वित्तीय खातों के लिए नॉमिनी तय किया है तो आपके मृत्यु के बाद पूरा पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा। यदि आपके पास एक से अधिक नॉमिनी है तो सभी को पैसे बराबर मिलेंगे। इससे परिवार में विवाद की संभावना भी कम होती है, क्योंकि आप पहले से ही तय कर सकते हैं कि किस नॉमिनी को कितनी राशि मिलेगी। नॉमिनी नहीं होने पर क्या होगा। अगर किसी व्यक्ति ने नॉमिनी नहीं बनाया है तो उसके मृत्यु के बाद पैसे उसके कानूनी उत्तराधिकारी को सौंप दिए जाएंगे। विवाहित व्यक्ति के मामले में कानूनी उत्तराधिकारी पत्नी, बच्चे और माता पिता होते हैं, जबकि अविवाहित व्यक्ति के मामले में माता पिता या भाई बहन पैसे के लिए दावा कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान काफी परेशानी होती है। यदि नॉमिनी नहीं है तो कानूनी वारिस को कुछ आवश्यक दस्तावेज जैसे मृतक का डेथ सर्टिफिकेट, कानूनी उत्तराधिकारी की फोटो और कुछ अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इस दौरान मृतक के उत्तराधिकारी को कई कागजी कार्यवाही से गुजरना पड़ता है, कई बार ये विवाद के कारण भी बन जाते हैं। इसलिए नॉमिनी का नाम होना जरूरी है ताकि विवादों से बचा जा सके। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बैंक खाते में पड़े पैसे नॉमिनी को सौंप दिए जाते हैं। बैंक नॉमिनी की पहचान और वेरिफिकेशन के बाद सारी रकम को नॉमिनी को हस्तांतरित कर देता है। बैंक खाता खोलते समय आप जिस पर भरोसा करते हैं उसे नॉमिनी बना सकते हैं। यह आपका परिवार का कोई सदस्य, दोस्त या रिश्तेदार हो सकता है। यदि आप नाबालिग को नॉमिनी बनाते हैं तो उसके अभिभावक को भी शामिल करना होगा। जॉइंट अकाउंट में नॉमिनी की चयन सभी खाता धारकों की सहमति से होती है। आप नॉमिनी को जोड़ या हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सभी की सहमति जरूरी है। आप चाहें तो अपने नॉमिनी का नाम ऑनलाइन भी जोड़ सकते हैं। इसके लिए नेट बैंकिंग का उपयोग करके लॉगिन करना होगा और नॉमिनी सेक्शन में जाकर नाम जोड़ना या बदलना होगा। याद रखें, अपने बैंक खाते में नॉमिनी का नाम जोड़ना बहुत जरूरी है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि आपकी जमा पूंजी आपके परिवार के लिए सुरक्षित रहेगी। यदि आपने अभी तक नॉमिनी का नाम नहीं जोड़ा है तो इसे जल्द से जल्द कर लें, ताकि आपके जाने के बाद आपके पैसे आपके प्रियजनों को बिना किसी परेशानी के मिल सके। आपका पसंदीदा बैंक कौन सा है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।